हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय, आपका दोस्त, और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्डपैड के बारे में। वर्डपैड क्या है, इसके फंक्शन का हम कैसे यूज करते हैं, और वर्डपैड को हम किन किन तरीकों से ओपन कर सकते हैं, साथ ही वर्डपैड को ओपन करने के लिए हम अपनी खुद की शॉर्टकट की कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्डपैड को ओपन करने के लिए आप अपनी मनचाही शॉर्टकट की भी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानिए कि वर्डपैड है क्या। दोस्तों, वर्डपैड एक टेक्स्ट एडिटर एंड सिंपल फॉर्मेटिंग एक सॉफ्टवेयर होता है। ये एमएस वर्ड का एक लो वर्जन का सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम टेक्स्ट में सिंपल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, एमएस वर्ड का जो ये वर्जन है, इसको हम कैसे ओपन करते हैं, तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले यहां पर आप स्टार्ट मेनू पर जाएंगे, और यहां पर अगर आपने स्टार्ट मेनू में वर्डपैड को पिन किया है तो यहां से आप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप आल प्रोग्राम्स, ऐसी सीरीज, एंड यहां पर आपको वर्डपैड का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहां से आप वर्डपैड ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, यहां पर इसका वर्डपैड ओपन हो गए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप रन कमांड के द्वारा वर्डपैड को ओपन करना चाहते हैं, तो वर्डपैड को ओपन करने की दो रन कमांड होती, और वो दो रन कमांड क्या है दोस्तों, एक है राइट और दूसरी है वर्डपैड। तो रन कमांड ओपन करने के लिए आप जानते हैं कि आपको प्रेस करना है विंडो प्लस आर, और यहां पर आप दोस्तों लिख दीजिए वर्डपैड, और वर्ड पैड लिख के आप जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे, आपका वर्ड पैड सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। दूसरा इसका रन कमांड है दोस्तों, विंडो प्लस आर करने पे ही, यहां पे अगर आप लिखते हैं डब्ल्यू आर आई टी ई राइट, राइट लिख के आप इंटर प्रेस करते हैं, ये देखिए आपका वर्ड पैड ओपन हो गया। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि वर्ड पैड को ओपन करने के लिए कैसे आप अपनी मनचाही खुद की शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको यहां पर जाना है स्टार्ट मेनू में, और स्टार्ट मेनू पे क्लिक करने के बाद यहां पर वर्ड पैड, और वर्ड पैड पे यहां पर आप राइट क्लिक करेंगे, और यहां पर प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिया है। अब दोस्तों, यहां पर शॉर्टकट की का एक ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, यहां पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी वाई, कंट्रोल प्लस आल्ट, आल्ट प्लस शिफ्ट, जो आपकी इच्छा हो आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हैं, और फिर कर देंगे आप ओके। अब दोस्तों, यहां पर जो शॉर्टकट की मैंने बनाई थी वो थी कंट्रोल शिफ्ट और एच, तो जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट और एच करूंगा, यहां पर वर्ड पैड ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर देखिए, वर्ड पैड में सबसे ऊपर जहां पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वर्ड पैड, ये है टाइटल बार। टाइटल बार में दोस्तों, जिस नेम से फाइल सेव होती है वो फाइल नेम यहां पर शो होता है। इसके बगल में दोस्तों कुछ ऑप्शंस हैं, ये है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है ना, ये है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, जहां पर हम कुछ ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं जो हमें वर्क करने में आसानी प्रदान करते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहां पर आप देखिए, ये है आपका हेल्प के लिए, ठीक है ना, अगर आपको वर्डपैड से संबंधित कोई हेल्प चाहिए तो यहां से आप हेल्प ले सकते हैं। इसके लिए आप फंक्शन की का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं और आपको हेल्प की आवश्यकता है, तो आप F1 प्रेस करेंगे तो वहां पर हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर ओपन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, यहां पर ये है कंट्रोलर, ठीक है ना, जहां मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का ऑप्शन दिया हुआ है। ये आपका मेनू बार और रिबन बार, ठीक है ना। अब दोस्तों, यहां वर्ड पैड में आप देख सकते हैं कि पांच ग्रुप होते हैं, क्लिप आर्ट, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट एंड एडिटिंग, ठीक है ना। अब इन फंक्शन का यूज करने के लिए हमें कुछ टेक्स्ट की जरूरत होती है, तो यहां पर हम कुछ टेक्स्ट लिख ले रहे हैं। मैंने यहां लिख लिया अभय एक्सेल कंप्यूटर, ठीक है ना। दोस्तों, यहां पर अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं फॉन्ट ग्रुप का यूज। तो फॉन्ट ग्रुप में दोस्तों, किसी भी फंक्शन का यूज करने के लिए पहले हम अपने टेक्स्ट को कर ले रहे हैं सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद यहां पर देखिए दोस्तों, ये दिए हैं फॉन्ट फैमिली,
जिसमें से हम अपनी टेक्स्ट की फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारी फॉन्ट दी है। जो फॉन्ट अपने टेक्स्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो फॉन्ट यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए बहुत सारी यहाँ पर फॉन्ट दी हुई। मैंने ये फॉन्ट यहाँ पर अप्लाई कर दी। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर दिया है फॉन्ट साइज का। यहाँ पर फॉन्ट साइज जो है वो मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 हो सकती है। 8 और 72 से अधिक हम इस ऑप्शन द्वारा नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों अगर आपको 72 साइज से भी बड़ी फॉन्ट साइज चाहिए तो उसके बगल में ऑप्शन दिया है ग्रो फॉन्ट का। इस ऑप्शन के द्वारा दोस्तों आप अपने टेक्स्ट की साइज को और बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मिनिमम 8 से भी कम साइज चाहिए अपनी फॉन्ट की तो उसके लिए यहाँ पर श्रिंक फॉन्ट एक ऑप्शन दिया है। इसके द्वारा आप अपनी फॉन्ट साइज को मिनिमम 1 तक कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए 3, 2, 1, 1 से छोटा दोस्तों नहीं होगा, ठीक है ना। अब उसके नीचे यहाँ पर दोस्तों देखिए एक ऑप्शन दिया है बोल्ड का। आप जैसे ही बोल्ड पर क्लिक करते हैं तो आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है। ये देख सकते हैं यहां पर आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों यहां पर दिया है इटैलिक का। यहां पर ये इटैलिक फॉन्ट जो होती है ये हमारे टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा कर देती है। यहां पर देखिए आप टेक्स्ट तिरछे हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों यहां पर दिया है अंडरलाइन का। अंडरलाइन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों जैसे आप कॉपी में या फिर किसी भी बुक में आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं और वहां पर जो भी गलतियां आपको मिलती हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट में वहां पर सर्कल या फिर लाइन कर देते हैं नीचे। लेकिन वैसे ही दोस्तों अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में एरर चेक करनी है, ठीक है ना, और तो वहां पर आपके पास पेंसिल तो होती नहीं है तो उसके लिए दोस्तों यहां पर ऑप्शन दिया है स्ट्राइक थ्रो का। और इसके द्वारा आप अंडरलाइन क्रिएट कर सकते हैं, सॉरी एक लाइन क्रिएट होगी जो अंडरलाइन ना होके टेक्स्ट के बीच में होती है। कैसे, यहां पर देखिए जैसे आप क्लिक करते हैं टेक्स्ट के बीच से एक लाइन यहां पर क्रॉस हो गई, ठीक है ना। आपको इसे रिमूव करना है, फिर से आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों यहां पर दिया हुआ है टेक्स्ट हाईलाइट कलर का। टेक्स्ट हाईलाइट कलर से आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर देखिए जिस कलर से आपको हाईलाइट करना है यहां पर हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों यहां पर दिया है टेक्स्ट कलर का। अभी तो टेक्स्ट को हाईलाइट किया था, यहां से आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जिस कलर का आपको टेक्स्ट चाहिए वो यहां पर आप कर सकते हैं। यहां पर देखिए मैंने टेक्स्ट कलर राइट कर दिया, ठीक है ना। अब दोस्तों केमिस्ट्री और मैथ्स का पेपर जब आप बनाते हैं तो वहां पर कुछ ऐसी चीजों की जरूरत होती है, जैसे मेथेन का फार्मूला लिखना है तो मेथेन का फार्मूला होता है दोस्तों CH4। और दोस्तों इसमें जो 4 है ये 4 H के साइड में ना होके ये बेस में होता है, तो हमें इस 4 को बेस में करना है। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले तो इस 4 को कर लेंगे हम सेलेक्ट। और सिलेक्ट करने पर दोस्तों यहां पर दिया है एक ऑप्शन सबस्क्रिप्ट का, और इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैं फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देता हूं, 4 इसके बेस में हो गया है, है ना। वैसे दोस्तों अगर मैथ में लिखना है हमें, मान लीजिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो दोस्तों यहां पर भी 2 ये इसके साइड में ना होकर ऊपर होता है, तो उसके लिए भी क्या करना है आपको, 2 को सेलेक्ट करना है और उसके जस्ट बगल में ऑप्शन दिया है दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट का। और जैसे ही आप सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे वैसे ही यहां पर देखिए 2 ऊपर हो गया, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम चलते हैं अपने पैराग्राफ ग्रुप पर। तो पैराग्राफ ग्रुप के लिए हमें दोस्तों पैराग्राफ की जरूरत होती है, तो यहां पर हम कुछ टेक्स्ट लिख ले रहे हैं और जो एक पैराग्राफ का काम करेगा। ठीक है ना, सपोज दैट मैंने इतना टेक्स्ट लिख लिया। अब दोस्तों अगर आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से अलाइन करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि लेफ्ट साइड से आपका टेक्स्ट
एक सीधी लाइन में आए, तो उसके लिए यहाँ पर टेक्स्ट लाइन दिया है लेफ्ट का। दोस्तों अगर आप अपने टेक्स्ट को सेंटर पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो सेंटर पर आ जाए, ठीक है ना। इसके लिए आप शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं, Ctrl+E। नेक्स्ट ऑप्शन यहीं पर दिया है पैराग्राफ में। दोस्तों अगर आप अपने टेक्स्ट को राइट साइड से बराबर करना चाहते हैं, अलाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप शॉर्टकट की का यूज करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की में आप Ctrl+R का यूज कर सकते हैं। अब बगल में दोस्तों यहां पर दिया है पैराग्राफ को जस्टिफाई करना, तो यहां से आप अपने पैराग्राफ को जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है दोस्तों यहां पर इंडेंट का। अगर आप इंडेंट बढ़ाना चाहते हैं तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपका इंडेंट बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इंडेंट में क्या है दोस्तों, अगर आपने इंडेंट इतना कर दिया तो जो ये एरिया है इस एरिया में कुछ भी नहीं लिख जाएगा, जो भी है जहां से आपका इंडेंट स्टार्ट होगा वहीं से आप अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं। अगर आपको इंडेंट रिमूव करना है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका इंडेंट रिमूव होता जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों यहां पर बुलेट्स का। बुलेट्स का क्या यूज है दोस्तों, जैसे कि आपको लिखना है यहां पर इसकी इंडेंट पहले रिमूव कर दें हम। दोस्तों जैसे यहाँ पर हमें कुछ नाम लिखना है तो क्या है, हमें नंबर वाइज नाम लिखने हैं तो यहाँ बार बार हमें 1, 2, 3, 4 ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। हम चाहते हैं दोस्तों कि हमें बार बार यहाँ पर नंबरिंग ना करनी पड़े, 1, 2, 3, 4 ये बार बार हमें ना ऐड करना पड़े, कुछ ऐसा हो जाए जैसे एक बार उसे हम सेलेक्ट कर लें और फिर वो ऑटोमेटिक आता रहे। दोस्तों उसके लिए आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर बुलेट्स का। यहाँ पर दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी बुलेट्स मिल जाएंगी, जिस प्रकार की आपको बुलेट्स चाहिए, ABCD में चाहिए, 1-2 में चाहिए, पॉइंट में चाहिए, जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं। सपोज दैट मैंने ये बुलेट सेलेक्ट कर ली, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लिखते जाएंगे और जैसे ही इंटर प्रेस कर रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे एक नई बुलेट्स ऐड होती जा रही है, ठीक है ना। तो ये यूज है दोस्तों यहाँ पर बुलेट्स का। अगर आप बुलेट्स चेंज करना चाहते हैं तो यहां जाएंगे आप क्लिक कर देंगे तो देखिए यहां पर नीचे बुलेट्स चेंज हो। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों यहां पर लाइन स्पेसिंग का। यहां पर दोस्तों दो लाइनों के बीच में आपको कितना स्पेस रखना है ये आप कर सकते हैं। जैसे अगर आपको स्पेस कम करनी है तो आप 1.0 पे आप क्लिक कर देंगे, देखिए यहां पर जैसे ये है मैंने कर दिया यहां पर 1.0, तो आप देख सकते हैं कि दो लाइनों के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस कम हो गया। लेकिन यहां पर अगर आप 2 कर देंगे तो दो लाइनों के बीच में आप देख सकते हैं कि स्पेस ज्यादा हो गया, ठीक है ना। यहां से दोस्तों आप अपने पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं, जो अभी मैंने आपको इंडेंट का ऑप्शन बताया था यहां पर भी आप लेफ्ट में राइट में फर्स्ट लाइन के बीच में आपको कितना इंडेंट बढ़ाना है ये यहां पर आप लिख सकते हैं और उसे लिखकर आप अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों यहां पर इंसर्ट में पिक्चर का। पहले हम इस टेक्स्ट को जो हमने लिखा है वो कर दे रहे हैं डिलीट। यहां पर दोस्तों पिक्चर का ऑप्शन दिया है, इस पिक्चर के ऑप्शन के द्वारा हम अपने सिस्टम में जो भी पिक्चर सेव है वो पिक्चर यहां पर हम इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे देखिए मैंने ये बटरफ्लाई इंसर्ट कर दिया। अगर दोस्तों आप अपनी कोई पेंटिंग बनाकर और वर्डपैड में इंसर्ट कराना चाहते हैं तो यहां पर पेंट ड्राइंग का ऑप्शन दिया है, जिसके लिए आप शॉर्टकट की Ctrl+D का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन हो जाएगा और यहां पर जो भी पेंटिंग है, देखिए सपोज दैट मैंने ये जो भी आप चाहें वो यहां पर बनाएं। यहां पर कलर आपको फिल करना है, कलर फिल कर दिया, ठीक है ना। अब ये अगर आप चाहते हैं इसको इंसर्ट कराना तो यहां पर आप मिनिमाइज भी कर देंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि वो पेंटिंग यहां पर ऐड हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों यहां पर टाइम एंड डेट का। टाइम एंड डेट पे आप क्लिक करेंगे तो टाइम और डेट के बहुत सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे, जो फॉर्मेट आपको चाहिए उस फॉर्मेट पे आप क्लिक कर दीजिए और क्लिक करके आप ओके कर देंगे तो यहां पर देख सकते हैं आप टाइम आ गया, ठीक है ना। अब दोस्तों यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया है इंसर्ट ऑब्जेक्ट का। दोस्तों इंसर्ट ऑब्जेक्ट का क्या यूज है, अगर आप
वर्ड पैड से बाहर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से कोई फाइल इंसर्ट कराना चाहते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से आप इंसर्ट करा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिया है क्रिएट न्यू का। अगर आप किसी प्रोग्राम में कोई नई फाइल बनाकर वर्ड पैड में इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इसके द्वारा कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर जैसे मान लीजिए मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की वर्कशीट का कोई डाटा चाहिए तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और कर देंगे ओके। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्सेल की वर्कशीट ओपन होकर आ गई। अब यहाँ पर जो भी डाटा आप बनाएंगे और बनाने के बाद वो डाटा आपके वर्ड पैड में इंटर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए किया और इसे अगर हम मिनिमाइज कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर दोस्तों एमएस एक्सेल में जो हमने क्रिएट किया था वो वर्ड पैड में इंसर्ट हो गया। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि कोई फाइल पहले से बनकर सेव है हमारे डॉक्यूमेंट्स में या फिर हमारे सिस्टम में किसी भी लोकेशन पे, तो वहाँ उसके लिए क्रिएट फ्रॉम फाइल पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ ब्राउज ऑप्शन पे आप जाएंगे, कोई भी फाइल जो यहाँ से आप लेना चाहते हैं उस पे क्लिक करके और यहाँ ओपन पे आप क्लिक कर देंगे और यहाँ फिर से आप ओपन कर देंगे तो देखिए यहाँ पर ये इंसर्ट हो गया है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर हमें लास्ट ऑप्शन बताना है एडिटिंग ग्रुप का, फाइंड रिप्लेस एंड सेलेक्ट ऑल, ठीक है ना। तो उसके लिए यहाँ पर हम टेक्स्ट कुछ लिख लेते हैं। अब दोस्तों सपोज दैट हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि ए कहाँ लिखा हुआ है, उसके लिए आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एफ का, इससे फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहां पर आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिख दिया सपोज दैट ए और यहाँ फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये टेक्स्ट हाईलाइट हो गया और आगे आपको सर्च करना है। फिर जैसे जैसे आप फाइंड नेक्स्ट करते चले जाएंगे तो जहां जहां वो टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट हाईलाइट होता चला जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर रिप्लेस का। रिप्लेस में अगर आपको ए की जगह कुछ और लिखना है तो यहाँ पर आप सपोज दैट मुझे ए की जगह बी लिखना है तो मैंने फाइंड व्हाट में ए और रिप्लेस विद में बी कर दिया। अगर आप एक जगह पर चाहते हैं कि एक जगह बी हो जाए तो सिर्फ आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर ए बी एच ए वाई था, वहाँ पर बी वाई हो गया। अगर आप चाहते हैं कि जहाँ जहाँ ए है सब जगह बी हो जाए तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं आप कि इस डॉक्यूमेंट में या इस टेक्स्ट में कहीं पर भी अब ए नहीं है, जहां जहां ए था वहां हर जगह पर बी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया है सेलेक्ट ऑल का। जैसे ही आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे आपके डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट होगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, सब कुछ एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है क्लिपबोर्ड का। दोस्तों क्लिपबोर्ड से रिलेटेड ट्रिपल सी के एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आता है और वो क्वेश्चन ये है कि कट या कॉपी किया गया डाटा किस मेमोरी में संग्रहित होता है, तो उसका आंसर है क्लिपबोर्ड मेमोरी। और यहाँ पर इन ऑप्शन का यूज करने के लिए कुछ टेक्स्ट हमें यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट लिख ले रहे हैं। पहला यहाँ पर दोस्तों इन ऑप्शन का यूज करने के लिए हमें अपने टेक्स्ट को करना होगा सेलेक्ट और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों अगर आप कट पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना, पहले मैं आपको कॉपी बताता हूँ। कॉपी के लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी का भी यूज कर सकते हैं। आप कॉपी करेंगे तो कॉपी करने के बाद वो टेक्स्ट क्लिपबोर्ड मेमोरी में सेव हो जाता है। उसके बाद जहाँ पर आपको पेस्ट करना है वहाँ पर आप अपना कर्सर रखेंगे और यहाँ पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं वो कॉपी किया हुआ गया टेक्स्ट पेस्ट होता चला जाएगा। फिर दोस्तों यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कट का। सपोज दैट मुझे यहां से ये अभय सेलेक्ट करके और इसे कट करना है तो मैंने यहां पर सेलेक्ट किया और इसे कर देंगे हम कट पे क्लिक। तो यहां से दोस्तों देखिए आप कट हो गया है। अब आपको जहां पर पेस्ट करना है वहां पर आप कर्सर रखेंगे और पेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो यहां पर देखिए वो पेस्ट होता जा रहा है, ठीक है ना। पेस्ट के लिए आप शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस वी। अब दोस्तों यहां पर अगर आप अपने फाइल सेव करना चाहते हैं
तो यहाँ ऑफिस बटन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ आपको न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, सेंड इन ईमेल, अबाउट वर्डपैड एंड एग्जिट के ऑप्शन मिलेंगे। आपको अपनी फाइल सेव करनी है तो यहाँ पर आप सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी जिस नेम से आप फाइल सेव करना चाहते हैं उस नेम से आप फाइल सेव कर सकते हैं। और दोस्तों वर्डपैड का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .rtf, जैसे नोटपैड का एक्सटेंशन था .txt, वैसे ही वर्डपैड का एक्सटेंशन है दोस्तों .rtf। ये हमने सेव कर दिया। अगर आप नई फाइल इंसर्ट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर न्यू पे आप क्लिक करेंगे। इसके लिए आप शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं, Ctrl+N। इससे देखिए यहाँ पर एक न्यू फाइल ओपन हो गई, ठीक है ना। फिर दोस्तों यहाँ पर अगर आप पहले से सेव किसी फाइल को ओपन कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कोई भी फाइल सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर दिया है सेव एज का। अगर आपने अपनी पुरानी फाइल में कोई भी चेंजिंग की है और आप चाहते हैं कि चेंजिंग होने के बाद, मॉडिफाई करने के बाद आपकी पहले वाली फाइल भी सेव रहे और जो लास्ट टाइम आपने चेंजिंग की है वो फाइल भी आपकी सेव रहे, तो उसके लिए दोस्तों यहां पर यूज करना है सेव एज ऑप्शन का। और उसमें दोस्तों आपको चेंजिंग क्या करनी है, चेंजिंग ये करनी है कि आपका जो फाइल नेम है उस फाइल नेम में आप थोड़ी सी चेंजिंग कर दीजिए, और चेंजिंग करने के बाद आप सेव कर देंगे तो दोनों फाइलें आपकी सेव हो जाएंगी। आप यहां ओपन पर चेक कर सकते हैं, एक मैंने अभय एक्सल 1 के नाम से और दूसरी अभय एक्सल 1.2 के नाम से सेव किया था। यहां पर दोनों फाइलें आपको सेव मिल जाएंगी। अब दोस्तों यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है आपका प्रिंट का। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहां पर देखिए दोस्तों वो प्रिंटर्स मिल जाएंगे जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होंगे, जो फिजिकली रूप से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आपको दोस्तों अगर सभी पेजों का प्रिंटआउट चाहिए तो यहाँ ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी पेजेस का डॉक्यूमेंट है आपका उसका प्रिंटआउट मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कुछ पेजों का प्रिंटआउट चाहते हैं तो यहाँ आप पेजेस पे क्लिक करेंगे और जिस भी पेज का आपको प्रिंटआउट चाहिए वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। मान लीजिए आपको 1-10 चाहिए तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1-10 और प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो उतने पेज ही प्रिंट होंगे। अगर दोस्तों आपको किसी पेज की एक से ज़्यादा कॉपी चाहिए तो यहाँ जहाँ नंबर ऑफ कॉपीज का ऑप्शन दिया है यहाँ पर जितने नंबर आप लिख देंगे उतने कॉपी प्रिंट आउट होंगे और आप प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो वो प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर दिया है पेज सेटअप का। पेज सेटअप पे आप अपने पेपर की सेटिंग कर सकते हैं, जैसे पेपर की साइज को बढ़ाना है घटाना है, ठीक है ना। आपको इंडेंट या मार्जिन को बढ़ाना है घटाना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5 मार्जिन हमने कर दिया इंच की, तो यहाँ देखिए सारा टेक्स्ट मेरा गायब हो गया है, ठीक है ना। इसी तरीके से दोस्तों राइट में भी आप कम ज्यादा जैसे करना चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं, और फिर कर देंगे आप ओके तो वो मार्जिन आपकी यहाँ पर सेट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मार्जिन मैंने लगाई है उस मार्जिन के बाद हमारा डॉक्यूमेंट ऐसे हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर है सेंड इन ईमेल, और सेंड इन ईमेल के लिए हमारा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में प्रोफाइल क्रिएट होना चाहिए। अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में प्रोफाइल क्रिएट नहीं है तो यहाँ से आप ईमेल सेंड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों अबाउट वर्डपैड का। अबाउट वर्डपैड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वर्डपैड क्या है, कैसा प्रोग्राम है, इसका वर्जन क्या है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एग्जिट का। जैसे ही आप एग्जिट पे क्लिक करेंगे आप नोटपैड प्रोग्राम वर्डपैड प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों ये था कंप्लीट वर्डपैड प्रोग्राम के बारे में मेरा वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आसानी से आप मेरे वीडियो को देख सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।